आज किसानों ने अम्बाला में मोहड़ा के पास 2 घंटे का सांकेतिक धरना कर रेलगाड़ियों को रोका, जिससे अम्बाला से निकलने वाली लगभग 10 गाड़ियां प्रभावित हुई। किसान रेलवे लाइन पर दरिया बिछा कर बैठे और अपनी जीप को रेलवे लाइन के बीच में खड़ी कर दिया व रेलवे ट्रैफिक रोक दिया। मौके पर पुलिस बल भी तैनात थी। किसानों ने कहा कि वे लखीमपुर खीरी में हुई जो किसान शहीद हुए हैं, जब तक उनका इंसाफ नहीं मिलता तब तक ये धरने जारी रहेंगे। आज शंभू और खनौरी बॉर्डर के ऊपर आंदोलन चल रहा है। संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक और किसान मजदूर मोर्चा की तरफ से कॉल थी। आज के दिन हमारे लखीमपुर खीरी के अंदर सरकार के तानाशाही रवैये के कारण वहां के अजय मिश्रा टैनी ने हमारे 4 किसान और 1 पत्रकार साथी के ऊपर गाड़ी चढ़ाकर उनकी निर्मम हत्या कर दी गई थी। ऐसा नरसंहार पूरी दुनिया में नहीं देखा होगा। बड़े आराम से वो प्रोटेस्ट कर रहे थे अपने आंदोलन की मजबूती के लिए। बीजेपी के वहाँ प्रोग्राम थे, उसके अंदर सवाल जवाब पूछने के लिए वो वहाँ पर गए, लेकिन उनको बात वो गुबारा ना आई और उन्होंने गुस्से के अंदर आकर सरकार का जोश होने के कारण हमारे साथियों के ऊपर गाड़ी चढ़ाकर हत्या कर दी गई। आज तक वो हमें इंसाफ नहीं मिला है। 120B के अंदर अजय मिश्रा टैनी का नाम है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, लेकिन सरकार ने उन्हें संरक्षण दिया हुआ है। जो ये बीजेपी की सरकार है, ये हत्यारे लोगों को, बलात्कारी लोगों को संरक्षण देती है। जो लोग बीजेपी में चले जाते हैं वो कोई भी पाप कर कर आए, लेकिन ये उनका संरक्षण करती है। हमारी यही मांग है लंबे समय से, 4 साल से, कि हमारे जो साथियों की जिन्होंने हत्या की है उनको सलाखों के पीछे करें, लेकिन बीजेपी ने उनको टिकट निवाजे, उन्हें मंत्रालय निवाजे, लेकिन वहां के लोगों ने उनको मुंह की दिखाई और उनको हराया। हेजिटेशन था जो शंभू बॉर्डर खनौरी बॉर्डर पे अपना मोर्चा चल रहा है एमएसपी गारंटी का, उनका वहां पे जो मोर्चे हैं केएमएम मोर्चा है जो अपना, वहां से कॉल है कि आज 2 घंटे के लिए 12:30 से 2:30 बजे तक रेल जाम करने, जो लखीमपुर के अंदर अपने किसान शहीद हुए थे उनके इंसाफ के लिए, है ना। देखा है बीजेपी ने कितनी क्रूरता के साथ, बीजेपी के मंत्री ने हमारे किसानों को मार दिया था, एक पत्रकार को भी मार दिया था, है ना, और आज वो जमानत पे देखो बाहर है ना। तो उनके उनको इंसाफ दिया जाए, उनको सजा मिले, है ना, जो उन्होंने गुनाह किया उसकी सजा मिले, है ना, उसके लिए आज यहाँ पे रेलें जाम की गई हैं। तो हम यही कहना चाहते हैं, 2 दिन बाद हरियाणा के अंदर इलेक्शन भी हैं, तो सारी जनता को भी यही कहना चाहते हैं कि भाई सोच लेना वोट डालने से पहले, 750 किसानों की शहीदी के बारे में सोच लेना और शुभकर्ण की शहीदी के बारे में सोच लेना। 400 लड़कों को इन्होंने चोटें मारी शंभू बॉर्डर के ऊपर, हम अपने हक सच के लिए चले थे, फसल और नस्ल के लिए चले थे, है ना। तो भाई सोच लेना वोट डालने से पहले, वोट किसको डालनी है ना। वहीं रेलवे ने भी इससे निपटने के लिए पूरी तैयारियां की हुई है। डीआरएम मनदीप भाटिया ने बताया कि कुछ किसान संगठनों ने अलग अलग जगहों पर रेल रोको अभियान किया हुआ है, जिसमें अलग अलग संख्या में किसान ट्रैक पर बैठे हैं। उन्होंने कहा कि रेल संपत्ति को नुकसान ना हो, इसके लिए रेलवे सुरक्षा बल वहाँ पर तैनात है। जैसा कि विदित है, कुछ किसान संगठनों ने अलग अलग जगहों पर रेल रोको 12:30 से 2:30 बजे तक का ऐलान किया है। उसके लिए अभी की पोजीशन में करीब 9 जगह पर अलग अलग संख्या में किसान आ गए हैं जो रेलों को कर रहे हैं। इसके लिए सिविल पुलिस और जीआरपी के साथ मिलकर समुचित सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं, जिससे कोई भी जानमान को हानि ना हो। इसके अलावा हम लोग जो भी पैसेंजर ट्रेन्स चल रही हैं उनको बड़े जंक्शंस पे रेगुलेट कर रहे हैं, जिससे यात्रियों को छोटे स्टेशनों पर रुक के असुविधा ना हो। कैंसिलेशन तो अभी तक नहीं करी गई है, लेकिन अभी तक हमारी करीब करीब 10 गाड़ियां अफेक्ट हो चुकी हैं। वहीं एसएचओ थाना जीआरपी धर्मवीर का कहना है कि किसान धरना शांतिपूर्वक कर रहे हैं, लेकिन किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए यहां पर पुलिस बल तैनात है। किसान अपने मांगों के लिए एमएसपी के लिए वो कर रहे हैं धरना प्रदर्शन, ये 12:30 से 2:30 बजे तक है। जो सुरक्षा के लिए आरपीएफ जीआरपी की दोनों फोर्स तैयार है, कोई अपनी घटना ना घटे। बाकी जो ट्रेनें जैसे हैं वो पीछे रोक दी गई हैं कंट्रोल के माध्यम से। अब अभी खत्म हो जाएगा, उसके बाद गाड़ी चला जाएंगी शांतिपूर्वक और शांतिपूर्वक प्रदर्शन। आपको बता दें कि आज किसानों ने अम्बाला में मोहड़ा के पास 2 घंटे का सांकेतिक धरना कर रेलगाड़ियों को रोका, जिससे अम्बाला से निकलने वाली लगभग 10 गाड़ियां प्रभावित हुई। पंजाब केसरी टीवी के लिए अम्बाला से कृष्ण बाली की रिपोर्ट।